Hello everyone, greetings. I hope you all are doing very well. NEET का रिजल्ट आ गया है, सभी पेरेंट्स के मन में दुविधा होगी कि मेडिकल या पैरामेडिकल का एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या हमको रेडी रखना पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देना। ये प्रोसीजर इजी है, आप घर बैठा भी कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई आपको साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है या कोई एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल प्रोसीजर है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि वेबसाइट है www.medadmgujarat.org, ये आपको दररोज चेक करना है। इसमें जो अपडेट आता है वो ऑथेंटिक है, ओके। वो क्या करने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, कितना राउंड होगा, कितनी फीस है, कितनी इंस्टीट्यूशन है, लास्ट में कहाँ कट ऑफ मार्क्स था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या था, कितने लोगों को एडमिशन मिला था, तो आपको क्या है पूरा आइडिया आ जाएगा, राइट। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, www.medadmgujarat.org। जैसे ही आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपको उसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, सेकंड होगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। ये जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है उसके अंदर क्या होता है, मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, ये चार चीजों का समावेश होता है, राइट। अगर किसी को मेडिकल में एडमिशन लेना है तो उसको क्या है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में क्लिक करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर किसी को पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है, राइट, तो उसके लिए उसके नीचे ही PNAMEC एडमिशन ऐसा लिखा है, अगर वो उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होता है आपको पैरामेडिकल का पूरा डिटेल आ जाएगा, राइट। और ये पैरामेडिकल है, ये जो पैरामेडिकल है उसमें कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगी। ये जो पैरामेडिकल एडमिशन में उसमें क्या होता है, फिजियोथेरापी है, नर्सिंग है, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स है, ऑप्टोमेट्री है, ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेजेस है, नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस है, और GNM है यानी कि डिप्लोमा इन नर्सिंग, और लास्ट में है ऑक्सिलरी नर्सिंग ANM। अगर किसी को पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है तो पूरे एडमिशन की जानकारी उसको यही मिल जाएगी। अगर किसी को मेडिकल में लेना है तो उसको अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना पड़ेगा। ये दोनों के लिए जो वेबसाइट है वो सेम है। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपको हो गई। नाउ दूसरी बात क्या आपको याद रखना है कि ये जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है अभी वेबसाइट पे कमिंग सून बता रही है, यानी कि विद इन 1 वीक या 15 डेज में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो देयर इज अ सम लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट यू शुड कीप हैंडी, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी आपको एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी करवा लेनी है, राइट, और उसको ट्रू कॉपी भी करवा लेनी है, क्योंकि जब एडमिशन मिलेगा तो एडमिशन कमेटी वाले क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले लेते हैं। तो कहीं कहीं बार क्या होता है आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो अगर आपके पास इसकी फोटोकॉपी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो अभी हम ध्यान से देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पैरामेडिकल हो या मेडिकल हो, राइट। पहले हम बात करेंगे मेडिकल। तो मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th का क्रेडिट सर्टिफिकेट चाहिए, और नीट UG 2023 उसकी मार्कशीट चाहिए, राइट, ये ओरिजिनल चाहिए। दूसरा क्या है, बर्थ के लिए आपको लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट है या पासपोर्ट है, इनमें से कोई भी एक चीज होगी, हाँ। लेकिन क्राइटेरिया क्या है,
ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपकी बर्थ डेट और बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए। ये होगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। अगेन रिपीट करता हूँ, लिविंग सर्टिफिकेट होगा तो उसमें आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए या बर्थ प्लेस होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा इसमें भी सेम चाहिए, या इंडियन पासपोर्ट होगा तो भी वो वैलिड है। नाउ अगर यहीं कई बार ऐसा होता है, कहीं कहीं गुजरात वाले लोग होते हैं, वो लोग बाहर पढ़ते हैं, राइट, तो उसको क्या होना चाहिए, उसके लिए उसके पास डोमिसिलियट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, तो उसका डोमिसियल सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है उससे पास से एडवांस में निकालना चाहिए, राइट। अगर दूसरी बार कोई कैंडिडेट एससी वाला है, एसटी कैटेगरी है या एसीबीसी है, राइट, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, एडवांस में ही ये तीनों जो सर्टिफिकेट्स है वो गुजरात गवर्नमेंट में डिसाइड किया है वही अथॉरिटी के पास से उसको ले लेना चाहिए। दूसरी बात, स्पेशली जो लोग एसीबीसी में यानी कि ओबीसी कैटेगरी में, उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट तो होगा, उसको एक अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, राइट। ये जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो भी उसको क्या है, एडवांस में निकलना चाहिए, वरना क्या होगा, उसकी जो ये कैटेगरी है काउंट नहीं की जाएगी, राइट। सेम एज द ईबीएस ईडब्ल्यूएस, वो जो है उसको भी क्या होता है, सेम सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है कॉम्पिटेंटिंग अथॉरिटी के पास। हाँ, दूसरी बात, ये जो सर्टिफिकेट है कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, राइट। इस एडमिशन प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, ओके। दूसरी बात, हम अगर आप अहमदाबाद लोकल म्यूनिसिपालिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या सूरत म्यूनिसिपल लोकल कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए आपको लोकल कोटा का एक सर्टिफिकेट आता है, वो एडवांस में निकाल लेना चाहिए। ये जो लोकल कोटा का सर्टिफिकेट है उसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो ये जो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी डीन की ऑफिस होती है, वहाँ से ये लोग क्या है हमको आपको देते हैं, और आपको उसको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है आपको वो लोकल कोटा का सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो सभी प्रोसीजर मैंने बताया इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो आपको क्या है उसको एडवांस में लेना चाहिए, वरना क्या होता है जो एडमिशन प्रोसीजर में आपको जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 वीक का ही होता है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये कोटे के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, राइट। नेक्स्ट वन, अगर किसी को एनआरआई कोटा में एडमिशन चाहिए तो उसको क्या ध्यान में रखना होता है, उसके लिए आता है एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो कार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वही अथॉरिटी के पास आपको एडवांस में लेना चाहिए। अगर आपके पास ये कार्ड होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया तो आपको क्या है एनआरआई कोटा में एडमिशन मिल सकता है। दूसरी बात, अगर आप डिफेंस में काम कर रहे हैं, राइट, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, आपको क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉरिटी दिया है उससे पास आप डिफेंस में काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होगा, तो वही लोग आपको क्या होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप आईपीएस है, आईएएस है और आईआरएस है उसके है, राइट, आपके पिताजी, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको भी अगर आपको पापा को कहीं अलग जगह डेप्यूटेशन दिया होता है, राइट, तो उसका गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सर्टिफिकेट देते हैं वो आपको रखना होता है और वो ज्वाइन करना होता है, इसके आधार पर आपको क्या होता है यहाँ एडमिशन मिल सकता है। हाँ, कहीं लोग क्या होता है यूनियन टेरिटरी होती है वहीं रहते हैं वहीं से पास किया होता है, राइट, और वो यहाँ लेना चाहता है उसके पेरेंट्स यहाँ जॉब करते हैं तो क्या होता है उसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना होता है। ये जो मैंने लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, राइट, आपको मेडिकल एज वेल एज पैरामेडिकल दोनों के लिए जरूरी है,
पैरा मेडिकल में प्रॉब्लम क्या होता है, आपको नीट का रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो जो एडमिशन होता है ओनली बेस्ड ऑन द 12th मार्कशीट होता है, राइट। ये जो नीट होता है उसका रिजल्ट ओनली फॉर द यूजी एडमिशन यानी कि मेडिकल के लिए होता है। मैं हम आशा रखते हैं कि आपको जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी क्या ध्यान में रखना होता है, हमने बात कर लिया लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, आप एडवांस में रेडी रखिए तो आपको कोई इश्यू होगा नहीं। दूसरी बात, जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा उसमें हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले पिन लेना पड़ता है। तो पिन कैसे मिलता है वो हम सीखेंगे। आपको ये जो मैंने वेबसाइट बताया www.medadmingujarat.org, वो आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा होता है कि पिन परचेज, वो आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ऑनलाइन लेना है या मैन्युअली जाना है बैंक में, अगर बैंक में भी जा सकते हैं, राइट, और ऑनलाइन भी आप घर बैठा पिन ले सकते हैं। आप जब पिन परचेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ क्या ऑप्शन ओपन होगा, आप बेसिक डिटेल डालेंगे, उसमें आपका नाम डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, 12th की मार्कशीट पूछेगा, उसका सीट नंबर क्या है वो पूछेंगे, राइट, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन बताया आपको हैंडी रखना है। ईमेल बराबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, राइट, इतनी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, ओके, और आपको जो मिनिमम फीस होती है 200 रुपीज़ होती है या 500 होती है, वो जो डिसाइड करेंगे वो आपको डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या गूगल पे से आप कर सकते हैं। इतना डाल दिया, पे फीस कर दिया, तो क्या होगा, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, जो ईमेल डाला है, उसके ऊपर एक मैसेज आएगा, वो मैसेज में क्या होगा, आपका यूजर आईडी होगा और आपका पिन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, ये जो नंबर दोनों है वो आपको परमानेंट याद रखना है, सेव करना है, उसका फोटो निकालना है, फोटो कॉपी भी रखना है, ये नंबर कभी मिस होना नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये जो पिन नंबर आएगा, यूजर आईडी आएगा, उसके हिसाब से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। ये दो आप यूजर आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, उसमें आपका नाम क्या है, बर्थ डेट क्या है, कहाँ से पास किया है आपने, नीट में कितने मार्क्स थे, उसका डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है, LC को अपलोड करना पड़ता है, नीट का रिजल्ट को अपलोड करना पड़ता है, राइट। ये सभी आप अपलोड करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन डालेंगे, आपको कितना मार्क्स है वो डालेंगे, 10th में कितने मार्क्स थे, मैथ्स में कितने हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन है आपने उसमें डाल दिया, कैटेगरी कौन सी है, उसके जो सर्टिफिकेट से आपने अपलोड किया है कि नहीं किया है, राइट, क्रीमी लेयर अपलोड किया है, EWS वाले ने किया है, ये सभी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करेंगे, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, राइट, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या है, मिनिमम 100 KB से कम रखना है, ओके। और जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें लिखा होता है, जनरली JPG फॉर्मेट में होता है, ओके, तो ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स है, ये जो भी फोटो है और आपका पेशेली सिग्नेचर है, राइट, वो भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो ये क्या है, रेडी रखना है, JPG फॉर्मेट में जनरली KB क्या होता है, 100 KB से अंदर रखना है। ये सभी रेडी रखेंगे तो इजीली क्या, ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप जब उसको सबमिट करेंगे तो आप में एक मैसेज आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, क्लियर, तो आपको मानना है कि आपको काम 50% का आपका काम कंप्लीट हो गया है रजिस्ट्रेशन का, क्लियर। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब आप वापस ओपन करना चाहते हैं तो आपका पिन और पासवर्ड आपको ऑलवेज रेडी रखना है। आई होप आपको यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको मैसेज आ गया, आपने सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट डाल दी, राइट, उसके एक हफ्ते के बाद
ओके वहाँ ये लोग क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट बनाते हैं। मेरिट लिस्ट में पूरा बन जाएगा क्योंकि पूरे गुजरात का होता है, कहीं बाहर के भी पढ़ते हैं, पूरे इंडिया का होता है, आप मानिए ना। इट विल टेक टाइम। जब प्रॉपरली आप वेबसाइट को देखते रहेंगे या आपका मैसेज नंबर अच्छा होगा तो उसमें बार बार आएगा, उसके हिसाब से आपको एवरीडे वेबसाइट को चेक करना है। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा वो उसमें डिस्प्ले होगा। उस टाइम आप कैसे चेक करेंगे, आपको यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, वो क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इनिशियली मुझे एज पर द मेरिट लिस्ट अभी मुझे कहाँ एडमिशन मिल रहा है, राइट। उसके हिसाब से क्या होता है, मॉपअप राउंड आता है। ये जो मॉपअप राउंड होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। और ये जो चॉइस फिलिंग है, गुजराती में क्या बोलेंगे हम हिंदी में, कि आपको आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस कौन सी है, आपको प्रायोरिटी कौन सी है, वो आपको एडवांस में डिसाइड करना चाहिए, राइट। हम मेडिकल की बात करेंगे या पैरामेडिकल की बात करेंगे तो ऑलवेज चॉइस कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले जो आप चॉइस भरेंगे, राइट, वो गवर्नमेंट की भरना है। क्या करना है, जितनी भी कॉलेज गवर्नमेंट की है, ये लोग अलग अलग कलर देते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ग्रीन कलर होगा तो क्या होता है, वो गवर्नमेंट की कॉलेज होती है, वो अलग अलग होता है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो क्या करेंगे, एग्जांपल ले लीजिए कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, राइट। आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट की है कॉलेज तो आपको टिक करना होता है, टिक करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, ओके। अगर एक बार गवर्नमेंट का कोटा खत्म हो गया तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे नज़दीक क्या है या आप कौन से कॉलेज में लेना चाहते हैं, राइट। तो आप करेंगे सेल्फ फाइनेंस होगी, जीमस की कॉलेज होगी, राइट, या प्राइवेट होगी। हाँ, यहाँ याद क्या रखना है, सबसे कम फी कहाँ होती है, गवर्नमेंट में होती है, उससे भी ज़्यादा कम कहाँ होती है, जीमस में होती है, राइट। सबसे ज़्यादा फी कहाँ होती है, प्राइवेट में होती है। तो आपको वो याद रखना है, सबसे पहले क्या करेंगे, गवर्नमेंट आप भरेंगे, उसके बाद जीमर्स में भरेंगे, उसके बाद प्राइवेट में भरेंगे, क्लियर इतना। और कहाँ आपको एडमिशन लेना है वो आपको पहले से नोट डाउन कर लेने का है, गवर्नमेंट खत्म होने के बाद आपको कौन सी कॉलेज अच्छी लगती है, कौन से जिले में है, तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट डिसाइड कीजिए। एग्जाम्पल हम सूरत के, तो क्या करेंगे, पहले सूरत डिसाइड करेंगे, तो सूरत की जितनी भी कॉलेज होगी हम भरेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए बड़ौदा नज़दीक है, तो मैं क्या करूँगा, बड़ौदा की जितनी भी कॉलेज होगी वो भरूँगा। उसके बाद किसी को अहमदाबाद अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, अहमदाबाद के कॉलेज भरते हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट सबसे पहले भरनी चाहिए, क्लियर। ये जो आपने सभी कंप्लीट कर दिया, चॉइस फिलिंग, राइट, आपने राइटिंग कर दिया, आप सेटिस्फाई है कि मुझे अभी आप में कोई चेंज करना नहीं है, तो ये जो चॉइस होती है उसके नीचे लास्ट में लिखा होता है फ्रीज। क्या लिखा होता है, फ्रीज। आप उसको क्लिक करेंगे, फ्रीज को, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओके। अगर आपको कंफर्म करना है तो वो ओटीपी होता है, वो आपको उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी आपने चॉइस फिलिंग किया है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट, वो लॉक हो जाएगी, क्लियर। और कहीं बार क्या होता है, आप सेटिस्फाई नहीं है, उसको अनलॉक करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि भाई मेरी गलती हो गई, मुझे ये पहले रखना था और गलती से क्या हुआ, लास्ट का आ गया, तो आप अपना पासवर्ड डालेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, वापस ओपन करेंगे तो उसमें साइड में क्या होता है, अनलॉक। अनलॉक करेंगे तो आप उसमें क्या होता है, चॉइस फिलिंग अगेन कर सकते हैं।
क्लियर। हाँ लेकिन मैंने क्या बताया, इसके लिए जरूरी क्या है, पासवर्ड और यूजर आईडी। अगर बाय चांस आपका पासवर्ड गुम हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, यू आर अनेबल टू ओपन योर लॉगिन आईडी। प्रॉब्लम लेके आते हैं कि भाई मेरा मार्क्स तो सबसे ज़्यादा था, मुझे एडमिशन नहीं मिला, लेकिन मेरे फ्रेंड थे उसके कम मार्क्स थे उसको मिल गया। तो उसका रीजन कई बार क्या होता है, उसकी जो चॉइस फिलिंग होती है वो प्रॉपर होती है, और जो आपकी चॉइस फिलिंग होती है वो गलत होती है, राइट। मैं आशा रखता हूँ कि इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा जो चॉइस फिलिंग हो गया, आपने लॉक कर दिया, उसके बाद क्या होता है, अगेन विद इन ए वीक या 15 डेज में ये लोग क्या करते हैं, मेरिट बनाते हैं। उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे इस कॉलेज पे एडमिशन मिला है, राइट। फर्स्ट राउंड बोलते हैं इसको हम, ओके। फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिलता है और आपको जहाँ जाना है वहीं आपको मिल गया, राइट। तो आप जब लॉगिंग करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें होता है प्रोविजनल मेरिट ऑर्डर। क्या लिखा होता है, प्रोविजनल मेरिट ऑर्डर। आप उसको क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगी, वो प्रिंट आपको निकाल लेना है, राइट। उसमें लिखा होता है कि भाई कौन से हेल्प सेंटर में आपको जाना है, ओके। पूरा लिस्ट दिया होता है, आपको सिलेक्ट करना है। आप सूरत में हैं तो सूरत का हेल्प सेंटर को आपको चेक करना है। उसमें क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, कौन से डेट में आने वाले हैं, कौन से टाइम पे आने वाले हैं, वो क्लिक करेंगे, राइट। तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जब अपॉइंटमेंट मिलती है उस टाइम आपको ये प्रोविजनल लेटर होता है वो लाना होता है, आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लाना होता है, राइट। उसमें कवर होता है, क्या लिखना होता है, वो सभी उसमें लिखा होता है। वो भी डॉक्यूमेंट जितने भी है उनमें से कोई भी कम डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम होगा तो हेल्थ सेंटर में आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियर। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये कवर लाना होता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स से, राइट। कैटेगरी का सर्टिफिकेट और पूरे इंफॉर्मेशन या पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास जब आ जाए सभी ओरिजिनल, वो लेके और आपका जो प्रोविजनल ऑर्डर है वो लेके आपने जब अपॉइंटमेंट लिया है उस हेल्थ सेंटर पर आपको जाना है, राइट। अगर आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, उसकी जो फीस होती है वो आपको जो भी बैंक है वेबसाइट पे दिया होगा उस बैंक पे आपको जमा करना है। अगर आप मैन्युअली जमा करते हैं, बैंक में जाने के बाद जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। एक बार आपका फीस जमा हो गया तो आपको क्या करना पड़ता है, उसकी जो रिसिप्ट है वो रखना है। ऑनलाइन वाले जो होंगे उसके पास उसको प्रिंट निकालना होता है, और जो ऑफलाइन में जमा करते हैं बैंक में उसको रिसिप्ट की कॉपी लेनी होती है। इससे क्या हो गया कि भाई आपने फीस को जमा कर दिया है, क्लियर। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपका प्रोविजनल ऑर्डर, फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड और ये फी रिसिप्ट। और खास याद रखना है सबको क्या लाना होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इनमें सभी लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप लाते हैं, अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है। वेबसाइट पे जो फॉर्मेट दिया है, ओके, जिन जिन चीज़ों का, वही फॉर्मेट में आपको उसको डाउनलोड करना है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, MBBS और उसके ऊपर वाले डिग्री वाला जो भी है उसका साइन स्टैम्प वो चाहिए, क्लियर। ये भी गलती मत करना, वही करना होता है, वो सर्टिफिकेट रेडी हो जाए तो वो ओरिजिनल लाना है। दूसरी बात यहाँ क्या ध्यान रखना है कि मेडिकल का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है और पैरामेडिकल का फॉर्मेट भी अलग होता है। तो जिसको जहाँ एडमिशन लेना है वो दोनों का फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, दोनों का फिटनेस करना पड़ेगा, जो भी MBBS या उसके ऊपर वाले है वो लाना होता है। कई बार क्या होता है आप भूल जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है आपको वापस जाना पड़ता है। अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में आते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है और
क्या होता है, एक ही घंटा बाकी होता है, तो ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ये जो वीडियो बनाया मैंने एडवांस में, इसका मतलब मकसद क्या है कि पूरी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। मैंने जो भी बताया वो आप एडवांस में रखिए। कई बार किसी के पास पैसा नहीं होता है तो अपना जो पैसा है वो आप बैंक में रखिए, लास्ट में क्या है आपको परेशान ना होना पड़े, राइट। यही मकसद है। इतना आपने ध्यान में रखा, सभी रेडी हो गया, आपका पहले ही राउंड में एडमिशन आ गया, आप दूसरे जगह जाना ही नहीं चाहते, आप सेटिस्फाई है, राइट। तो आपने पैसा भर दिया, पूरे डॉक्यूमेंट ले लिया, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट भी ले लिया, मेडिकल का फिटनेस आ गया, कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, ओके। और आप यही सभी ओरिजिनल लेके अपना कवर में डाल के, ओके, आपको कहाँ है हेल्थ सेंटर पर जाना है, हेल्थ सेंटर वाले ओरिजिनल चेक करेंगे, राइट। ओरिजिनल आपके पास से ले लेंगे, आपको वापस देंगे नहीं। इसलिए मैंने एडवांस में क्या बताया था कि आपको क्या है, सभी की 25 या मोर देन एक्स्ट्रा कॉपी करवाना है, उसको ट्रू कॉपी करवाना है, राइट। वो याद रखना, ये लोग कभी वापस देंगे नहीं, क्लियर। इन लोगों पर के पास डॉक्यूमेंट आ गया, जमा कर दिया, वो लोग जब क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर एक मैसेज आएगा, योर एडमिशन इज कन्फर्म्ड, क्लियर। आप मोबाइल में पढ़ेंगे या नेट पे लिखा होगा, तो आपको क्या है विद इन 7 days जो भी डेट दिया है लास्ट, ओके, उस डेट से पहले आपको उस कॉलेज में पहुंच जाना होता है, लेट नहीं जाना होता है। अगर लेट जाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब वहां पहुंच गए कॉलेज में, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, जो हेल्प सेंटर ने आपको ओरिजिनल लेटर दिया होता है वो आपके पास से ले लेंगे, जेरोक्स नहीं मांगेंगे। सुनिए, ये याद रखना है, ओरिजिनल आपको उसको देना होता है ऑर्डर, जो आपको हेल्प सेंटर वाले देते हैं, उसके साथ वो लोग क्या करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की ट्रू कॉपी मांगते हैं, तो सभी की आपको ट्रू कॉपी उसको देना पड़ता है, राइट। इतना आप देंगे तब वो लोग क्या करते हैं, आपके बच्चे का एडमिशन कर देते हैं, और आपको बच्चा को डेट देते हैं कि भाई इस तारीख को आपका जो वार्ड्स है, आपका जो चाइल्ड है, उसको यहाँ भेजना है, पढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर आपको डाउट है कि भाई मुझे हॉस्टल देखना है, मेरा बच्चा बराबर रहेगा, खाना कैसा है, तो आपको एडवांस में वो चेक कर लेना होता है, क्लियर। बाद में कुछ नहीं होता है। आई होप यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा फर्स्ट राउंड में। अगर फर्स्ट राउंड में आप सेटिस्फाई नहीं हैं, और जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, ओके, उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सेकंड राउंड में भी जाना है, यहाँ मेरा थोड़ा गलती हो गया, मुझे ये कॉलेज में नहीं रहना है, मुझे चेंज करना है, राइट। तो क्या होता है, आप जिनने फर्स्ट राउंड में नहीं लिया है और जिन्हें कंफर्म कर लिया है, वो सभी लोग क्या है, दूसरे राउंड में एडमिशन ले सकते हैं, क्लियर। उसके लिए क्या होता है, आपको अगेन चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। अगर आपको बराबर लगता है कि भाई मुझे कोई चेंज नहीं करना है, तो आप अगेन उसको क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, वापस उसको क्या करेंगे, लॉक करेंगे, आपके ऊपर OTP आएगा, आप कंफर्म करेंगे तो सेम होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे थोड़ा चेंज करना है, तो आप उसको चेंज करेंगे, अगेन आप उसको लॉक करेंगे, फ्रीज करेंगे, OTP आएगा, आप सेव करेंगे, तो अगेन क्या होगा, सेकंड के राउंड के लिए सेम प्रोसीजर हो जाएंगी, राइट। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, जो इस लोगों ने फर्स्ट राउंड में ले लिया होता है, उसको लगेगा कि मुझे दूसरी बार फी भरनी पड़ेगी कि नहीं भरनी पड़ेगी, नहीं, तो आपको बिल्कुल दूसरे राउंड में फी भरना ही नहीं है। मानो कि जिन कॉलेज में आपका एडमिशन है वहाँ आपने 25,000 भरा है, दूसरी कॉलेज में भरा वहाँ फीस कम है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर फीस ज़्यादा है तो आपको जो लमसम अमाउंट होता है वो भरना पड़ता है, राइट। और दूसरी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर करना होता है, आपका डॉक्यूमेंट भी क्या होता है, हेल्थ सेंटर के पास होता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, जब दूसरे राउंड में आपने एडमिशन मिला,
ओके, जिसने ले लिया है उसको भी या जिसने नहीं ले लिया है उसको भी, अगेन उसको आपको वो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर होता है आपको डाउनलोड करना है, राइट। अगेन आपको अपॉइंटमेंट लेना है, उसमें जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो आपको अगेन कलेक्ट करना है। हाँ, दूसरे राउंड में क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये लोग नहीं मांगेंगे। किसके पास नहीं मांगेंगे? जिसने ऑलरेडी पहले राउंड में जमा कर दिया है, बात खत्म। जिन लोगों ने पहले राउंड में लिया नहीं है और ओरिजिनल उसके पास ही पड़ा है, उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा, राइट। और जिन्होंने ले लिया है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको सिर्फ वहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है और हेल्प सेंटर में जेरॉक्स कॉपी को सबमिट करना है। अगेन एट हेल्प सेंटर पे क्या होता है, वो लोग अगेन दूसरा ऑर्डर आपको देंगे सेकंड राउंड का, ओके। जिसको जो मॉडिफिकेशन करना है, जिसको चेंज करना है, अगेन सेम थिंग आपको ऑर्डर लेना है। अगेन जहाँ दूसरे राउंड में एडमिशन मिला है विद इन टाइम पीरियड आपको वहाँ जाना है, राइट। तो आपका एडमिशन अगेन कन्फर्म हो जाएगा, जो भी फीस बाकी है या किसी की बाकी नहीं है, ओके, उसको क्या है एक्सिस बैंक में एडवांस में जमा कर देने का होता है। तो यहाँ भी ये क्या है, खत्म हो जाएगा। अगेन ये जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सेम होता है, राइट। हर साल क्या होता है, रूल्स चेंज होता है। अभी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आज की डेट का दे रहा हूँ, कल चेंज हो सकता है, परसों चेंज होता है। इसलिए मैंने क्या बोला कि आप लोगों को एवरीडे वेबसाइट को चेक करना है, उसमें जो रूल्स आते वो हम चेंज करेंगे। एग्जांपल ले लीजिए, मेडिकल का जो रूल्स है वो भी आ गया है तो मैं बता रहा हूँ, राइट। उसमें क्या होता है, ये लोग मैक्सिमम चार राउंड करेंगे। पहले दो राउंड के बारे में मैंने बता दिया, राउंड वन और राउंड टू। मेडिकल में कैसा है, जो तीसरा राउंड होने वाला है राउंड थ्री, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉपअप राउंड। क्या होता है मॉपअप राउंड में, पहले राउंड और दूसरे राउंड में जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, ओके, वो लोग क्या है मॉपअप राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते, क्लियर, ये याद रखना है। और जिन लोगों ने कहीं लिया ही नहीं है या किसी को मिला ही नहीं है एडमिशन, आप मानिए, ओके, दोस पीपल आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द मॉपअप राउंड। यहां तक खत्म हो गया। मॉपअप राउंड में क्या होता है, जो सिर्फ बाकी है और जिन लोगों को कहीं एडमिशन नहीं मिला है वो लोग क्या करेंगे, सेम चॉइस फिलिंग करेंगे, राइट, सेम जगह अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉक करेंगे, ओके। हाँ, यहाँ याद क्या रखना है, कोई भी राउंड होता है, फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है या फोर्थ होता है, हाँ, आप जब लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे उस पर लिखा होता है कंसेंट दीजिए, ओके, तो आपको एवरी राउंड में अपना कंसेंट देना होता है। कंसेंट किस चीज़ का होता है कि अगर आपने कोई भी राउंड में भाग लिया, ओके, अगर आपको दूसरे राउंड में एडमिशन मिल गया तो अपने आप जो पहले राउंड का एडमिशन था वो आपका कैंसिल हो जाएगा। सुनिए, तो सोच समझ के आपको राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और एवरी टाइम अगर आपने कंसेंट नहीं दिया है, ओके, तो आप दूसरा राउंड में भाग नहीं ले सकते, बराबर ध्यान रखिए। आप खुद ही कर सकते हैं इसके लिए, खुद नहीं करेंगे तो आप साइबर कैफे के वाले पे जाएंगे, लेकिन ये कोई प्रोसीजर इतना नहीं है कि आप ना कर सके। जो लोग अपना मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर चला रहे हैं उसके लिए बिल्कुल इजी मेथड है। यहाँ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल है तो आप मोबाइल में मत फिल कीजिए, क्योंकि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है बहुत छोटा होता है और इसके लिए आप टाइम निकालिए, पूरे स्क्रीन में लॉगिन कीजिए कंप्यूटर का, आराम से बैठिए, ओके, और आराम से कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर गलती हो गया है तो आप ऐसे एक पर्सन है अपना आप करेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के पास ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिन और पासवर्ड आपके पास ही है। और जो ये पिन और पासवर्ड है किसी के साथ आप शेयर मत कीजिए, राइट, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने बता दिया कि कोई भी राउंड में ले
पार्ट लेने के लिए आपको कंसेंट देना जरूरी है। ओके, आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका कंसेंट हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ अगर कंसेंट नहीं दिया है तो आपको भाग ही नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ तक पहुँच गए। मॉपअप राउंड की बात कर रहे थे हम, कौन एलिजिबल है जिसको एडमिशन नहीं मिला है, हम मेडिकल की बात कर रहे हैं। ओके, मॉपअप राउंड खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर कोई सीट बाकी रहती है, ओके, वैकेंट सीट है, तो उसके लिए क्या होता है, एक फाइनल राउंड होता है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रे राउंड। ओके, स्ट्रे राउंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये राउंड जो होता है ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, ये लोग जो प्लेस डिसाइड करते हैं, आपको वहाँ जाना होता है सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेके, पैसा लेके जाना होता है, समझ रहे हैं। अगर ऑनलाइन होगा तो जहाँ जहाँ सेंटर दिया है तो वहाँ आपको पहुँच जाना होता है, और लोग ऑनलाइन प्रोसीजर करते हैं, राइट। इसके लिए भी आपको क्या होता है, सेम थिंग है, कंसन देना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, राइट, और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इतना करने के बाद कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ये मैसेज और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, फीस होती है, कार्ड ले जाइए। ओके, क्योंकि कैसा है, स्टे अराउंड है, आपको वहीं भरना पड़ता है। और किस चीज़ के लिए है, जो सीट खाली है, ये जो पूरा प्रक्रिया होता है वो पार्शियल है, कोई बायस नहीं होता है, किसी की लागू नहीं चलती है। ओके, किसी की भी लागू नहीं चलती है। अगर कोई बोलता है कि मैं करवा दूंगा तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है और आप भी बेवकूफ़ है, राइट। एवरीथिंग इज न्यूट्रल एंड पार्शियल, मेरिट के हिसाब से भी चलता है, और ये जो प्रोसीजर है उसको पूरा गुजरात देखता है। ओके, लाइन में आता है जिसका रोटेशन होता है, वो बोलते हैं अगर आप अवेलेबल है उस टाइम, आप प्रेजेंट है तो आपको बुलाएंगे, चेक करेंगे, ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन दे देंगे। अगर आप लेट हो गए स्टे राउंड में तो क्या है, दूसरे लोग जो अवेलेबल है उसको आपकी सीट मिल जाएगी। आप लेट आएंगे, आपने इन्फॉर्म नहीं किया है तो आपकी सीट ऑलरेडी चली जाएगी। तो टाइम और पंक्चुअलिटी इज नेसेसरी, क्लियर। ये होता है स्टे राउंड। उसके बाद क्या होता है, वो लोग आपको एडमिशन देते हैं, आपको उस कॉलेज में जाना होता है। ये पूरे राउंड खत्म हो जाते हैं, राइट, कोई ऊपर जाते हैं, कोई नीचे जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट। उसके बाद भी जिसको एडमिशन नहीं मिलता है, राइट, तो उसको टेंशन क्या होता है, कई बार, या कई बार मेडिकल में से उसने पैरामेडिकल में लिया, मेडिकल में से पैरामेडिकल में से मेडिकल लिया, तो टेंशन क्या होता है, भाई हमने तो फी भर दिया है, फीस का क्या होगा। तो ये 15 दिन या एक महीने के बाद वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आती है कि भाई जिसको रिफंड चाहिए, ओके, वो अपना बैंक का डिटेल डाल दीजिए। उस टाइम पे क्या होता है, आपका पासवर्ड, आपका यूज़र आईडी बहुत यूजफुल है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको क्या होता है, बैंक डिटेल डालना होता है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कौन सी ब्रांच है और कौन सा अकाउंट है, इतनी इंफॉर्मेशन आप करेक्ट डालेंगे। ओके, और क्लिक करेंगे तो आपका जो रिफंड का मनी है वही अकाउंट में 2 या 3 महीने में आ जाता है, राइट। हाँ, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो फीस आपने ऑफिशियली भरा है, यानी कि जो फी आपने बैंक में भरा है वो आपको रिफंड मिलेगी। अगर किसी कॉलेज ने ज़्यादा फी ले लिया, आपने दे दिया, इसके लिए एडमिशन कमेटी जिम्मेदार नहीं है। तो पॉसिबल है तो जितना भी फी, ओके, एडमिशन कमेटी ने दिया है वही आपको इनिशियली भरना है, राइट। अगर आपका एडमिशन कन्फर्म है, आपको चेंज ही नहीं करना है, तो वट एवर द फीस, ओके, आप भर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर एडमिशन कन्फर्म ही नहीं है तो आपको किसी को ज़्यादा फीस देने की जरूरत नहीं है, राइट। जो रिफंड होगा लीगली जो भरा है, जिसका रिसिप्ट है, वो भी आपको वापस मिलेगा, राइट। आई होप ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बनाने का मकसद क्या था,
आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना। कई बार अगर किसी आपको प्रलोभन दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। ये खोटे मैसेज पे आप मत जाइए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। क्लियर? अगर कोई भी आपको डाउट है राइट, तो यही वीडियो है, उसके नीचे लिंक दिया है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसलिए आज ऐसा लगा कि कई लोगों को इसकी ज़रूरत है राइट। जितना भी हो सके आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ इनको वीडियो को इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके, तो जो लोग सही में एलिजिबल है उसको एडमिशन मिले। हमने कई बार ऐसा देखा है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसको दोस्त को कम मार्क्स होते हैं, उसको एडमिशन मिल जाता है, फिर लास्ट में वो आता है कि सर मेरे फ्रेंड को तो कम मार्क्स था फिर भी उसको गवर्नमेंट में मिला, मुझे नहीं मिला। इसलिए उस टाइम उनको दुख लगता है। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि भाई आपने तो चॉइस फिलिंग ही नहीं किया था, आप एलिजिबल थे, वी आर एग्री, ओके आप एग्री है, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया था, उसने बराबर किया ना। तब वो बताते हैं कि सर ये तो हमको पता ही नहीं था, तब हमको बताते कि हमारा भी गलती नहीं है, आपका भी गलती नहीं है, लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं थी, आपने जानने की कोशिश नहीं थी, इसलिए गलती आपकी थी। बहुत सी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो गया राइट। मैं यही आशा करता हूँ अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो जो ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में ये इन्फॉर्मेशन है शेयर कीजिए। और आई होप आपके बच्चे को, आपके चिल्ड्रन को, आपके रिलेटिव्स को, जो भी कंसर्न पर्सन है, जो कोई भी एलिजिबल है उसको एडमिशन मिला है। होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सी यू सून विद दिस न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।